दुबई और थाईलैंड में शानदार प्रदर्शन के बाद आज मुंबई के फ्यूचर स्टूडियो में वर्ल्ड आइकॉनिक अवार्ड की घोषणा समारोह के निर्देशक दुष्यंत सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम में देश विदेश से चुनी हुई हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इस बार विशेष रूप से निर्णायक मंडल हेतु सुनो पार्ट टीम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु सिंह, टेरो मास्टर पूजा माथुर, कॉस्मिक हीलर प्रदीप चांदीरमाली से अनुरोध किया गया है, वह उनकी अनुमति ली जा चुकी है। यही नहीं, बतौर ब्रांड एम्बेसडर अंतर्राष्ट्रीय फैशनिस्टा व मिसेस इंडिया हेरिटेज एंड वर्ल्ड डॉक्टर प्रतिमा टोतला को अनुबद्ध किया गया है। वहीं बतौर विशेष ज्यूरी मेंबर स्टार्टअप इंडिया के कार्पोरेटर प्रतीक व विजनर श्री वैभव तोमार होंगे। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिमा टोतला ने कहा कि वे उत्साहित हैं और एक बार फिर वे अंतर्राष्ट्रीय समूह से इस कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू होंगी। आगामी 21 जुलाई 2019 को श्रीलंका के BMICH प्रेक्षागृह में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महोदय सहित देश विदेश के कई सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक समूह से जुड़ी हस्तियां अपनी सदैव की भांति उपस्थिति दर्ज कराएगी व पिछले वर्ष की भांति इस साल भी श्रीलंका में आयोजित होने जा रही इस समारोह की चर्चा वैश्विक स्तर पर होगी। सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस दैसा गिजर ऑफ इंडिया के सेट पे। और जैसा कि हम इसका जब मुहूर्त किया था तब भी आप सभी हम लोगों के साथ थे और आज हम लोग इस शो को रन करते हुए करीब 2.5 महीना हो चुका है। अभी सैटरडे संडे 3:30 बजे आप इसे इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं और इसी क्रम में हम धीरे धीरे तरक्की करते जा रहे हैं। तो आज मुंबई हम लोगों का थर्ड शूटिंग शेड्यूल है इस शो का और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इंडस्ट्री के एक जाने पहचाने चेहरे, शोबिज़ की दुनिया के एक बड़े चेहरे मिस्टर विकास कलंत्री हमारे इस प्रोग्राम के लिए आए, इसके लिए मैं इनका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनसे इस शो से रिलेटेड कर सकते हैं। विकास जी, क्या डिफरेंस लगा और भी कई शो में गए होंगे, ये और वो क्या डिफरेंस लगा? आई थिंक मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा। आई थिंक जो दुष्यंत जी का प्यार है एंड जो पूरा एक प्रॉम्प्टनेस है और जो पूरा मतलब एक शो को कंडक्ट करने का जो माहौल था, एक फैमिली जैसा एटमोसफियर लगा, तो मुझे बहुत मज़ा आया ये स्टार गेजर्स के शो पे आके। और माहौल हर शो में मिलता नहीं, मतलब आप एक शो पे जाते हो फॉर्मेलिटी के हिसाब से आप मतलब अपने क्वेश्चन आंसर करके आप निकल जाते हो, ये जो एक फैमिली जैसा एटमोसफियर था वो बहुत अच्छा। और बोला एक मोती पहनने के लिए तो आई डेफिनेटली मैं मतलब उसके बारे में ध्यान करूँगा और अगर कुछ अच्छा होता है तो आई एम श्योर। आई थिंक स्पोर्ट्स में बहुत पावर होता है तो 100% जो नीतु जी ने बोला है मैं उस पर ध्यान रखूँ। आई थिंक एक साइंस है, साइंस को मानना, अगर कोई नहीं मानता है तो मतलब झूठी बोलता है। साइंस एक साइंस है, हर किसी का एक विजुअल स्ट्रेंथ है, बस आई थिंक उसको मानना चाहिए। हम जो इंडिया में है आई थिंक साइंस की वजह से ही ये चल रहा है। प्रश्नों की बात करें, दुष्यंत जी ने कोई कठिन प्रश्न पूछे आपसे जिसके आप आपकी शो की और तरक्की होते जाए हमें फिर से बुलाइए। और आप कुछ कहना चाहेंगे? ये दर्शकों, ये आप ही का प्यार है कि जो कि हमारे शो में डे बाय डे इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं इंडस्ट्री के और कहते हैं कि कलाकार जो है वो दिल से राजा होते हैं, इसीलिए उनको स्टार्स बोला जाता है। और इनका प्यार, इनका इतना विश्वास हमें मिलता है, उसके लिए तो मैं हृदय से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी मैं नाम लूँगा तो उतना लंबे का संभव नहीं है, बट इंडस्ट्री के मेरे जितने भी दोस्त हैं या हमारे जो वेल विशर हैं, मैं नए भी स्टार्स को अप्रोच करता हूँ तो नोबडी सेड नो, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, शो के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहूँगा, अपना प्यार, अपना भरोसा ऐसे हम पे बनाए रखें और देखते रहिए दस तारीख इधर सौ मिल गया। इस
प्रोग्राम को हम लोगों ने अध्यात्म और लाइफस्टाइल दोनों से जोड़ दिया। जनरली क्या होता है, ये स्टार्स आते हैं, उनकी लाइफस्टाइल में बात हुई, क्या हुई और वो चले गए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी जो संस्कृति थी, पुराने जो कुछ हमारी मान्यताएं हैं या हमारे जो संस्कार हैं, उनको कहीं ना कहीं हम लोग स्क्रिप्ट में इस तरीके से लाने की कोशिश करते हैं कि बिना असहज हुए और छोटी छोटी बातों से या छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं हमारी जो तीनों जनरेशन है, आज की यूथ हो गया, जो हम मिडिल एज के लोग हो गए और जो पुराने लोग हो गए, उन तीनों को कनेक्ट कर दें। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेके इस शो को बनाया था और अभी तक ये सब ठीक है। तब तक कौन कौन कर चुकी? मैं एक्चुअली अभी इतने उसमें रहता हूँ कि बट मैं अभी आपको रहता हूँ, अभी जैसे विकास जी के बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति आ रही हैं थोड़ी देर में, हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा आना मेरे प्यार को ना, तो मैंने कभी सोचा नहीं था उनके साथ बैठ के इंटरव्यू करूँगा। तो मैं आई एम अ फैन ऑफ हर, सो वो आ रही हैं। अशोक खुसला जी अभी पहुँचने वाले थोड़ी देर में, चंद्रा दीक्षित ऑलरेडी मेकअप करा रहे हैं, उससे पहले जो शेड्यूल थे हमारे जसविंदर नरूड़ा इज देयर, रामशंकर इज देयर, फिर विक्रम राजा इज देयर। तो इस तरह के जो हमारे वेटरन और जो नए लोग, उन दोनों को ही हम लोग इस शो में आमंत्रित करते हैं और वो देयर पार्ट। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक शुक्रिया कि आप यहाँ मौजूद हैं हम लोग के इस कवरेज के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे दो फ्लैगशिप अवार्ड फंक्शन होते हैं साल में, एक है टॉप 50 अमेरिकन अवार्ड्स जो हर साल हम मुंबई में करते हैं, जो कि इंडियन कम्युनिटी को समर्पित है। वैश्विक तौर पे जहाँ जहाँ इंडियंस मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को हम लोग उस समारोह में लेके आएँ और वहाँ पर उनको फैसिलिटेट करें, उनके जो सदकार हैं उससे लोगों का परिचय कराएँ। इसी क्रम में जो सेकंड हमारा जो फ्लैगशिप अवार्ड फंक्शन है, कहें लार्जर देन लाइफ, दैट इज़ अ वर्ल्ड आइकन अवार्ड, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने दुबई से की थी, उसके बाद हम थाईलैंड गए और अब हम उस अवार्ड को लेकर श्रीलंका। दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई के हिज एक्सलेंसी शेख हमारे वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, थाईलैंड की हर एक्सलेंसी मामलुंग दरासरी जयपुरा दुबई में पूरी आनबान शान के साथ मौजूद थी। इसके अलावा एक्स मिस वर्ल्ड जो थाईलैंड से थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, कमला कंपून आयु थे। उसके बाद हम जब थाईलैंड गए तो वहाँ पे वर्ल्ड आइकन अवार्ड के सीजन 2 में हिज एक्सलेंसी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कोंडा बारांसी हमारे चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा हमारे देश से हमारे उत्तर प्रदेश की पर्यटन मंत्री ऑनरेबल रीता बगड़ा जोशी जी ने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया उस कार्यक्रम में। इसी क्रम में श्रीलंका में हम 21 जुलाई को वर्ल्ड आइकन अवार्ड का अवार्ड को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मुझे आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि इस अवार्ड फंक्शन में श्रीलंका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हिज एक्सीलेंसी महिंदा राजपक्षे पूरी आनबान शान के साथ एज ए चीफ गेस्ट मौजूद रहेंगे। और इस अवार्ड की दूसरी खासियत ये कि इस अवार्ड के लिए इस बार हम लोगों ने एक ऐसे चेहरे को भी चुना है जो कि वैश्विक तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, प्लस अपने सत्कार्यों के लिए उन्होंने एक समाज में अपना स्थान कायम किया है, अपनी मेहनत से उन्होंने जगह बनाई है, शोषित और वंचितों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। मेरे साथ मौजूद हैं मिसेज इंडिया हेरिटेज वर्ल्ड और वर्ल्ड आइकन अवार्ड की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर प्रतिमा तोतला जी। हम वर्ल्ड आइकन अवार्ड के साथ प्रतिमा तोतला जी के चेहरे को लेकर और कुछ बॉलीवुड दिग्गजों के साथ साथ देश विदेश में बसे ऐसे वैश्विक नागरिक जिन्होंने अपने अपने सदकार्यों से अपने जो उनका सोसाइटी को जिन्होंने उन्होंने पॉजिटिव दिया है, चाहे वो एज एन अ बिजनेसमैन, एज एन एजुकेशनल या एज एन सोशल वर्कर, हम उसे लाइमलाइट में रखते हुए और वहाँ पे श्रीलंका में 21 जुलाई को हम इस समारोह का भव्य आयोजन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका आयोजन BMICS में हो रहा है। जैसे एज एन आर्टिस्ट किसी का भी एक सपना होता है कि मेरा एक शो रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में ज़रूर हो, इसी तरह से हर एक जो शो दुनिया के जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजर, उनका एक सपना रहता है कि मैं श्रीलंका में जाके कोलंबो में और BMICS में जरूर मेरा मुझे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का मौका मिले। तो लकीली मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे अवसर मिला है। और पिछले अवार्ड में मैं इसमें सम्मानित हो चुकी हूँ, मुझे सम्मान दिया जा चुका है और ये अपने आप में वाकई वर्ल्ड लेवल पर जितने लोगों को इकट्ठा करके दुष्यंत जी ने जिस तरह एक माला में पिरोया है, ये ही अपने आप में पिछली बार देखकर बहुत खुशी महसूस हुई और लगा कि इस तरह का कोई कार्यक्रम अभी
हमारे देश में बहुत ही चुनिंदा है जो इस लेवल पर जो कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है. और इस बार जब दुष्यंत जी ने ये मुझे सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ इसका ब्रांड एम्बेसडर बनने का, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है. और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं वहाँ पे. वर्ल्ड आइकन अवार्ड जैसा कि श्रीलंका में वहाँ पे हो रहा है, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है. मैं एक्चुअली अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो मेरा शौक है वो मेरा प्रोफेशन है. और मैं बहुत घूमता हूँ अपने कामों के सिलसिले में. तो हम लोगों ने अपने जो रिलेशंस हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने कितना नाम पैदा किया अपना, बड़ा छोटा या जैसा भी, लेकिन मैंने रिलेशंस बहुत कमाए. तो अगर रिलेशन वाइज बात करें तो हम लोग एक वैश्विक तौर पर अपनी बहुत अच्छी हम लोग धमक रखते हैं और देश विदेशों में. तो और लकीली मुझे अच्छे लोगों के साथ ही काम करने का अवसर प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग. तो सेम यही वर्ल्ड आइकन अवार्ड के साथ है कि जब हम जैसे इसकी घोषणा करते हैं, एक रूटीन में आ गया है सब कुछ, तो लोगों के एप्लीकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं. इस बार हम कुछ गेटवे बना रहे हैं जिससे कि सीधे सीधे लोग आवेदन कर सकें थ्रू प्रचार. आप सबके माध्यम से लोगों को जब पता लगेगा कि अवार्ड होने जा रहा है, तो ऐसा गेटवे हम लोग बनाने जा रहे हैं. तो लोग जुड़ते चले जाते हैं और हम लोग उस दिन प्रॉपरली एंटरटेन करते हैं. आपका थोड़े से उसके बाद में हम जूरी से परिचय करूंगा. हमारे पास जूरी हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस कार्यक्रम की. स्पेशली एक हमारा एक शो ऑन एयर है इंडिया न्यूज़ पे, सुनो पार्थ. तो सुनो पार्थ में अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज एज अ होस्ट हैं. तो मैंने उन्हीं से ये अनुरोध किया कि क्यों ना कि आप भी वैश्विक तौर पर अपनी उपस्थिति रखते हैं और अलग अलग क्षेत्र में आपका ज्ञान असीमित है या चरम पे है, तो यू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड फंक्शन एज अ रेस्पेक्टेड जूरी. यही पहली बार हो रहा है कि किसी कॉन्सेप्ट को लेकर और जूरी को जूरी का चयन किया गया है. तो मैं अभी आपकी मुलाकात हमारी रेस्पेक्टेड जूरी से. वर्ल्ड आइकन अवार्ड में एक्चुअली हम लोगों की जो संख्या है, जैसे हम जब दुबई हम लोगों ने किया था तो कुल 24 लोगों को हम लोगों ने 24 लोगों को सम्मानित किया. बैंकॉक हमने किया था तो 28 के आसपास लोग थे. और ये संख्या, इसको हमने संख्या में नहीं बांटा क्योंकि वैश्विक तौर पे किसी भी एक लोगों को आप संख्या बांट दीजिए तो अगर एक कंट्री से, हम तो मान के चलते हैं कि हमारे सारे कंट्री से लोग आएंगे, तो एक कंट्री से कोई माना तो करीब 300 के आसपास लोग होते हैं. तो इसलिए इसको हमने संख्या में नहीं बांटा. तो वर्ल्ड में कौन कौन थे, भारत भी होगा? डेफिनेटली भारत होगा और भारतीय ज्यादा ही होंगे क्योंकि हम लोग भारतीय मूल के हैं. और हम तो अपने आप पे गर्व अनुभव करते हैं कि हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा या संदेश है विश्व, और हम देखा जाए तो हम मिडिल में हैं. उधर से भी कोई आएगा तो हमसे होके जाना है उसको, और उधर यूएस से भी कोई आएगा तो हमसे होके जाना है. तो हम दोनों जो छोर हैं दुनिया के उनको कनेक्ट करते हैं, हृदय स्थल हैं हम लोग. तो डेफिनेटली हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे लोग उनसे ज़्यादा टच में रहते हैं. लेकिन वैश्विक तौर पर दुबई में जब हम थे तो करीब 16 कंट्री के लोग आए थे, और थाईलैंड में थे तो थाईलैंड में करीब 17-18 कंट्रीज से लोग. इस बार मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा करीब 25-26 कंट्रीज के लोग इससे जुड़े. तो फोकस किस पर रहेगा? वो तो हम सी भारतीयों एनआरआई पर फोकस तो हमारा जब हम टॉप 15 इंडियन आइकन अवार्ड करते हैं तब करते हैं कि वो इंडियंस के लिए है. इस पर हमारा फोकस वैश्विक जनसमूह पर, चाहे वो चाइना से हों, चाहे बैंकॉक थाईलैंड से हों, या सिंगापुर से हों, दुबई से हों, मॉरिशस से हों, तो हमारा उस पर ज़्यादा यही. इस कार्यक्रम से हम लोग जैसे दुष्यंत जी सिर्फ इंडियन इंडिया से जो लोग हैं उन लोगों को सम्मानित करते हैं, और इसमें पूरे विश्व के लोगों को एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना ही बहुत बड़ी बात है. तो वो समाज से वो डॉक्टराइज नहीं कर सकते किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो. जब एक आदमी मकाम पे होता है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ मकाम पे होता है, तो आप उसको कवर करते हैं, आप उनको प्रमुखता देते हैं. उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि नहीं आज अगर रेस्पेक्टेड मीडिया तो सिर्फ डॉक्टर्स को ही कवर करेंगे. तो यही मेरा मानना है, सेम एप्लीकेबल, क्योंकि ये भी सम्मान ही है. आप अगर कल हमारी न्यूज़ निकालेंगे तो ये हमारे लिए, ये ड्यूटी नहीं है आपकी, ये हमारे लिए सम्मान की बात है. आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर आना ये सम्मान की बात है. जो लोग नामवर होते हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं को आप स्पेस देते हैं. तो मैं इसीलिए मैं अपने किसी और फंक्शन में, चाहे वो टॉप 50 हो या वर्ल्ड आइकन अवार्ड हो या इवन शौर्य तो हमारा पुलिस वालों को समर्पित था, शहीदों को, तो मैंने किसी क्राइटेरिया में नहीं बनता कभी किसी और फंक्शन को. तो मुझे लगता है कि ये क्षेत्र विशेष में है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके कार्यों से लोग सीख सकते हैं, तो हम उन्हें अप्रोच करते हैं या हमारे जूरी के थ्रू या बाकी लोगों के थ्रू हम उनको अप्रोच करते हैं और हम कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो बहुत थैंक्स दुष्यंत जी का, और इन्होंने तो इतनी
से सिलेक्शन में कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, और बहुत ईमानदारी के साथ हम जो लोग वाकई योग्य हैं वर्ल्ड आइकन अवार्ड के लिए उनका ही चुनाव कर सकें। और इस बारे में हम तीनों में बहुत बातें भी होनी शुरू हो गई हैं और ऑब्वियसली डिस्कशन भी होगा, और कभी कभी हो सकता है कि हम एक दूसरे से सहमत भी हों और ना सहमत भी हो, तो बस उसी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ करें यही चाहते हैं। और बाकी ऐसे लोगों का चुनाव करें जिनके जीवन से और लोगों को शिक्षा मिल सके या उनके जीवन को फॉलो करके वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो सके। बिल्कुल, जैसा ऋतु जी ने कहा मैं भी यही बात मानती हूँ कि दुष्यंत जी ने बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एज ए साथी बन के हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है उसको निभानी पड़ेगी और हम लोग ज़रूर निभाएंगे। क्योंकि मैं भी ये समझती हूँ कि अगर ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी अच्छी चीज़ जो ये कर रहे हैं अपनी एनर्जीज के साथ में, उसमें ज़रूर हम लोग उनकी कसौटी पर खड़े उतरेंगे और हम वैसे जो वर्ल्ड आइकॉन को लेकर आएंगे जो वाकई में डिजर्व करते हैं। क्या कुछ माइंड में आपके है कि आपके मन में कुछ वैसा किया इनको लेंगे उनको लेंगे या क्या कुछ कुछ विशेष इस बार करना है ये सोचा हुआ है? जो लास्ट हमने दुबई में किया, बैंकॉक में किया, कुछ ना कुछ लोग जो रह गए हमने उस टाइम पर नहीं हो पाया था, तो ऐसा चाह रहे हैं कि वाकई में जो लोग जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मंच उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं समाज के लिए और उनको बहुत सम्मानित किया जा रहा था है और आगे भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी जिनकी प्रतिभा या जिनके कार्य भी हमारे समाज के सामने नहीं आ पाए, बहुत छुपे हुए हैं वो लोग और लेकिन अपने कार्य को बहुत निष्ठा के साथ कर रहे हैं पूरी ईमानदारी। तो हमारा ये प्रयास रहेगा इस बार ऐसे कुछ लोगों को लेकर आपके सामने। नक्षत्र कुंडली भी देखा होगा आपने? इसके अलावा जैसे कि पिछले सीजन से हमारे देश विदेश के जाने माने नाम एज ए जूरी जुड़े हुए, तो डेफिनेटली वो तो हमारे पैनल में है, हम लोग उनसे भी डिस्कस करेंगे। जैसे संतोष भारती हो गए, अजय भांबी हो गए, डॉक्टर कश्मीर चौधरी हो गए, ये जो देश की धरोहर है ये लोग, तो वो तो जुड़े हुए हैं हम लोगों से। बट जो एक्सक्लूसिव इस बार जो हम लोगों ने जिम्मेदारी है वो एक तरह से एक नई ऊर्जा को भी दी कि भाई आप उनको पूरा एक्सट्रीम मैप सपोर्ट कीजिए। कैसे संपर्क करें आपसे? जो मुझे मैं वर्ल्ड में कहीं कोने में हूं। आप इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है कि ऐसे लॉगिन कुछ करना होगा आवेदन करने के लिए प्रॉपर। हम इसका एक गेटवे बना रहे हैं इसका अवार्ड फंक्शन का सोशल मीडिया पर बाकी जगह पे, और प्रॉपरली हम लोग उसको बूस्ट करेंगे थ्रू पब्लिसिटी जैसे होता है। लोग फाइंड करते हैं वर्ल्ड आइकन अवार्ड की, इस समय जो गूगल पे जो रीच है, आप अगर डेस्कटॉप पे की मोबाइल पर नहीं दिखाता हूँ, वो मेरे ख्याल शायद 3,96,00,000 के आसपास से मैं चेक कर रहा था। लोग दे आर फाइंडिंग अबाउट द वर्ल्ड आइकन अवार्ड और टॉप 50 तो बहुत जबरदस्त है। मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी लगाए थे अपने सोशल मीडिया, आई डोंट नो आप में से कई लोग जुड़े होंगे, वो 5 करोड़ से ऊपर जा चुका है उसका टॉप 50 ने अवार्ड का गूगल पे जो सर्च है। क्योंकि हम लोग ने अपना कोई गेटवे ऐसा नहीं बनाते कि हम लोग अपनी वाह करें, हमें लगता है कि आप हमारे बारे में लिखें वो ऑर्गेनिक होगा, तो लोगों को एक ट्रुथ पता लगता है कि व्हाट दे आर डूइंग। तो गेटवे में थैंक यू।